वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर एग्जाम 2024 रेलवे केमिकल एंड मेटलॉजिकल असिस्टेंट, जिसे शॉर्ट में CMA बोलते हैं। एग्जाम 2024 ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4 है। इससे पहले भी जो है 3 क्लास हो चुका है, तो आप चाहिएगा जाकर प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और आंसर की जो है कम्युनिटी टैब पर हमेशा अपलोड कर दिया जाता है 24 आवर्स के बाद, तो आप कम्युनिटी टैब पर विजिट करके आंसर भी देख सकते हैं। मैं चाहूँगा जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन पर ऑल क्लिक करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। किसी कैंडिडेट को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो घबराने की बात नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कीजिएगा, तो जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। और चैनल को विजिट करते रहिए, वहाँ कम्युनिटी टैब और वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन का ये पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैक्सिमम परमिशन सेलेनियम इन ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल में सेलेनियम की अधिकतम अनुमोदित मात्रा है। ए ऑप्शन है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, बी ऑप्शन है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, सी ऑप्शन है 0.10 मिलीग्राम पर लीटर और डी ऑप्शन है 1 मिलीग्राम पर लीटर। आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्लोइंग डिजीज इज वाटर बॉर्न, निम्नलिखित रोग जल जनित है, ठीक है। जो बीमारी है, रोग है, डिजीज है, वो वाटर बॉर्न डिजीज को आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी और डी ऑप्शन है टाइफाइड। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 3, द टेस्ट फॉर टर्बिडिटी डिस्क्राइब्स व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, द टेस्ट फॉर टर्बिडिटी डिस्क्राइब्स व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। ए ऑप्शन है ओडोर, बी ऑप्शन है मिनरल कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, सी ऑप्शन है सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर और डी ऑप्शन है मेटल कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। चलिए आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से हो सकती है। ए ऑप्शन है मेथोमेग्लोबिनामिया, बी ऑप्शन है एक्ला फ्लोमोलेसिया, सी ऑप्शन है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरोइडिज्म भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और डी ऑप्शन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा है प्रोनाउंसिएशन में आपको लगेगा बड़ा वर्ड है, लेकिन आपको आंसर इसका देना है। और नहीं याद होगा, नहीं समझ में आ रहा तो इसको याद कर लीजिएगा, कैंडिडेट को मैं बोलूँगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका कमेंट कीजिए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5, डबल पोर्ट मेथड इज 4, डबल पोर्ट विधि किसके लिए है। ई ऑप्शन है क्लोरिनेशन ऑफ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का क्लोरिनीकरण, बी ऑप्शन है रिमूवल ऑफ हार्डनेस, कठोरता को दूर करना, सी ऑप्शन है सीवेज डिस्पोजल, मलजल निपटान और डी ऑप्शन है क्लोरिनेशन ऑफ वेल, कुएं का क्लोरिनीकरण। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। चलिए आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 6,
जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं मैं बताना चाहूँगा कि आंसर जो है आपको 24 आवर्स के बाद कम्युनिटी टैब पर देखने को मिलता है। पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद अपना आंसर कमेंट कीजिए और नोट्स भी बनाना आपको आपको सेल्फ नोट्स बना अपने हाथों से आप नोट्स बनाइए, आज से स्टार्ट कर दीजिए। पिछला भी वीडियो देखिए आप, उसका भी नोट्स बनाइए, इसका भी नोट्स बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6, द डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ थ्री एंड कम्बाइंस क्लोरीन इन वाटर विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड। क्लोरीन का पानी में मुक्त और संयोजित दोनों का गति और सटीकता के साथ निर्धारण कहा जाता है। ए ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बी ऑप्शन है विडाल टेस्ट, सी ऑप्शन है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट और डी ऑप्शन है ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। चलिए आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है स्पष्ट रूप से, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा तो। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑन वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एड्स के लिए पुष्टिकरण परीक्षण है, मतलब कन्फर्म हो जाता है कि हाँ इनको टेस्ट है, उस पेशेंट को टेस्ट है उसके रिगार्डिंग। ए ऑप्शन है एलिसा टेस्ट, बी ऑप्शन है साउथर्न ब्लॉट टेस्ट, सी ऑप्शन है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीच। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस स्प्रेड्स थ्रू फेशियल बॉर्न। किस प्रकार का हेपेटाइटिस मल जनित बीमारी से फैलता है, ठीक है। ए ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, बी ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, सी ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी और डी ऑप्शन है हेपेटाइटिस डी। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। चलिए आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फ्लोइंग कलर इज यूज फॉर रेडिएशन हजार्ड। विकिरण खतरों के लिए निम्न में से किस रंग का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रेड, बी ऑप्शन है ऑरेंज, सी ऑप्शन है ग्रीन और डी ऑप्शन है पर्पल। आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए सेशन का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका कमेंट करना है और सारा आंसर जो है आपको कम्युनिटी टैब पर देखने को मिलेगा, तो कम्युनिटी टैब भी विजिट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज इज द मीजल्स वैक्सीन गिवन। खसरे का टीका कितनी उम्र में दिया जाता है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। आजकल तो बाई बर्थ भी हो जा रहा है लेकिन आप जो है ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देंगे। ए ऑप्शन है 6 मंथ्स, बी ऑप्शन है 7 मंथ्स, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है 8 मंथ्स और डी ऑप्शन है 9 मंथ्स। आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मैं चाहूँगा जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन पर ऑल क्लिक करेंगे ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। कम्युनिटी टैब विजिट करते रहिए, प्लेलिस्ट देखते रहिए और सेल्फ नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।